एक मिनट एक मिनट नहीं और झोले वोले में ये सर्च अभियान को लोग बता रहे। कल जो है पूर्व पार्षद के यहाँ जो है गोलीबारी और बम से हमला किया गया था और अल्लाहपुर में एक मकान के विवाद को लेकर इन लोगों के द्वारा गोलीबारी और बम से हमला किया गया था जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। उसी के क्रम में आज ताराचंद छात्रावास में सूचना मिली कि ये लोग हैं, छापेमारी की गई जिसमें पूर्व में इनामिया 20,000 का आकाश सिंह और भास्कर सिंह मौके से गिरफ्तार हुए। इनके तीन साथी मौके से भाग निकले जिनके लिए हम लोग दो टीमें बना दिए हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बरामदगी में जब हम लोग छापेमारी कर रहे थे तो चीफ डॉक्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और DSW को मौके पर बुलाया गया। सभी कमरे जो इनके कब्जे में थे उसमें से जब तलाशी ली गई, बम डिस्पोजल यूनिट वाले आए तो काफ़ी मात्रा में बारूद, कंकड़ और एल्युमिनियम पाउडर बरामद हुए और अभियुक्त के पास से जो है एक पिस्टल, 6 राउंड खोखे खाली और 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। जिंदा बम भी बरामद हुए मौके से? 5 जिंदा बम मौके से बरामद हुए देसी, उसको डिस्पोजल यूनिट वाले मौके पर ही डिस्पोज किए और उसको सब कार्रवाई जो है मौके पर बनाई गई है और इनको अभी रिमांड पर लेकर जेल भेजा जाता है। जिस तरह से हॉस्टल में ये बरामदगी हुई है बम बनाने का सामान, क्या लगता है कि हॉस्टल में जो बाहरी लोग आके रहते हैं तो वो इस तरह का काम नहीं करते हैं? निश्चित रूप से जब अवैध लड़के बाहर हॉस्टल में रहेंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, वो कुछ न कुछ अपराध करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी बीच बीच में छापेमारी करते हैं लेकिन कुछ लड़के अपने अलाट कमरों को भी इनको दे देते हैं।